Good evening, everyone. Neha this side, your favicle expert teacher. Today we are online. We are taking workshop of Holi. Okay, so I'll wait for 5 minutes so that the other members to join in, and then we will start the workshop. I just want the confirmation. Just give me a thumbs up or just text me. I just want to know, like, am I audible and the camera is clear to you all? So today we are doing Holi painting. ठीक है, this is Holi art. In Holi art, हमें जो हम बना रहे हैं, ठीक है, I'm working on this canvas pad. ठीक है, you can take any CD, you can take MDF, you can work on canvas. If you want, you can take bottle, या फिर हमारे घर पर होता है ना कि pen stand होता है, हमारा pen stand कुछ टूट गया होता है, खराब हो गया होता है, तो हम उसको भी reuse कर सकते हैं. ठीक है, आप उसका बेस में आप कोट कर सकते हैं बेस कलर, एंड देन यू कैन वर्क विद मोल्डेड. तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी और भी घर में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, आप कोई बॉटल ले सकते हैं, बॉटल के ऊपर बना सकते हैं. सो दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किसके ऊपर बनाना चाहते हैं. बेस आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, बेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो आई एम डूइंग ऑन कैनवस पैड. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, आप सीधी कैनवस पैड आप कुछ भी किसी भी चीज पर बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो बेस हमने लिया है, हमें बेस को कलर करना है. ठीक है, हम बेस को कलर कर लेते हैं सो दैट हमारा बेस जो है वो ड्राई हो जाएगा. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, अच्छा आप बताइए मुझे कि किस किस को वर्ली पेंटिंग के बारे में कुछ आइडिया है कि व्हाट इज वर्ली पेंटिंग, कहाँ से है ये, क्या है, इसके बारे में कुछ भी किसी को कोई आइडिया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ. ठीक है, आप मुझे बताइएगा. सो फॉर बेस व्हाट वी आर डूइंग, मैंने सबसे पहले जो मैं बेस ले रही हूँ वो मैं कैनवस पैड ले रही हूँ. आप सीडी ले सकते हैं, आप कुछ भी बेस ले सकते हैं. आप अगर सीडी ले रहे हैं या कोई और बेस ले रहे हैं तो उसके ऊपर पहले आपको व्हाइट एक्रेलिक करना होगा. ठीक है, अब मुझे कैनवस के ऊपर मुझे व्हाइट करने की जरूरत नहीं है, सो आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग दिस येलो कलर. दिस इज क्रोम येलो. ओके, इफ यू वांट आप इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर आप देना चाहते हैं आप टेक्सचर दे सकते हैं. ठीक है, आप इसके अंदर कलर मिक्सिंग करना चाहते हैं कलर मिक्स कर सकते हैं. सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं आज बिल्कुल इसको प्लेन कर रही हूँ, मैं इसको कोई भी इसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं दे रही हूँ. ठीक है, और आप जो भी मैं आर्टिकल्स बनाती हूँ ना, आप मेरे साथ साथ आर्टिकल्स बनाते रहिए. ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि आपको कुछ भी अगर डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो जो भी हमारा बेस है, हमने बेस को अच्छे से पहले उसको कलर कर देना. तो जो वर्ली आर्ट है ना, वर्ली आर्ट इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, और जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, वो इसको मेनली वर्ली आर्ट को वो बनाते हैं. सो ये महाराष्ट्र का आर्ट है. ठीक है, सो मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ जो बेस लिया है, मैंने बेस कैनवस पैड लिया है. आप बेस के अंदर कोई भी बेस ले सकते हैं, सीडी ले सकते हैं, आप कैनवस ले सकते हैं, आप कुछ भी एमडीएफ ले सकते हैं. ठीक है, इवन आप बॉटल के ऊपर वर्क कर सकते हैं अगर आप बॉटल के ऊपर करना चाहते हैं, या फिर जैसे हमारे पास होता है ना कि हमारा कुछ भी कोई चीज, जैसे हमारा पेन स्टैंड होता है वो कई बार टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो हम लोग उसका भी बेस हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, आई जस्ट कीप इट साइड. ठीक है, वो ड्राई होने के लिए मैंने उसको साइड पर रख दिया. ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप के लिए आई एम टेकिंग मोल्डेड. मोल्डेड के अंदर लेट मी टेल यू कि दो चीजें होती है, एक होता है हार्डनर और एक होता है रेजिन.
ठीक है, हमें इन दोनों को मिक्स करना होता है। जब तक ये मिक्स नहीं होते हैं, तब तक ये खराब भी नहीं होंगे, ये हार्ड भी नहीं होंगे, ठीक है। हमें पहले इनको मिक्स करना, और मिक्स करने से पहले हमें हमेशा से क्या ध्यान रखना है कि इसका जो भी हम मोल्डेड का वर्क करते हैं ना, हमें मोल्डेड का वर्क हमेशा पाउडर के साथ करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बेस लिया है, ठीक है। मैंने बेस के ऊपर भी पाउडर को लगाया हुआ है, क्योंकि मैं एक्चुअली यही बेस यूज करती हूँ, तो इसके ऊपर ऑलरेडी पाउडर होता है। बट आप कोई भी आप बेस लेते हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर आप टेलकम, कोई भी आप टेलकम आप यूज कर सकते हैं, आप टेलकम को थोड़ा सा आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको मोल्डेड लेना है। मोल्डेड आपको जो पैकेट आते हैं ना, आपको पूरा एक बार में ही मोल्डेड को यूज नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक वो अलग अलग है, तब तक वो हार्ड नहीं होंगे। जब आप दोनों को, जो इसके अंदर हार्डनर है और जो इसके रेजिन है, जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तब वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जितना हमें मोल्डेड लेना है, इक्वल क्वांटिटी में हम उसको ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीजर्स लेते हैं, और सीजर से हमें जितना भी चाहिए उतना हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग इट दिस मच, आई एम टेकिंग। ठीक है, ये देखो मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, आपको भी इसको इक्वल क्वांटिटी में लेना। जब भी आपको यूज करना है ना, सबसे पहले अच्छे से अपने हैंड पर, और जो भी आपका बेस है ना, उसके ऊपर टेलकम लगाना जरूरी है, ठीक है। आपका इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। इक्वली लेकर फिर आप इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको मिक्स करना अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मिक्सिंग नहीं करोगे ना इसकी, तो क्या होगा कि वो आपका अच्छे से मोल्डेड हार्ड नहीं होगा। और अगर मोल्डेड हार्ड नहीं होगा, तो आपको पता है कि वो आप जो भी आर्टिकल बनाएंगे वो ब्रेक हो सकता है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं मोल्डेड से, आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके हैंड्स पर वो चिपकने लग गया है, ठीक है, तो आप फिर से थोड़ा सा टेलकम लेंगे, अपने हैंड्स पर आप टेलकम लगाएंगे, और फिर आप इसको दोबारा से नीट करना शुरू कर देंगे। मिक्स करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है, ठीक है। इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम लगता नहीं है नीट करने में। देखो मेरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब आप नीट करते हो ना, तो ये एक सिंगल कलर बन जाता है। दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे ना, ये देखिए, ये दो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, रेजिन और हार्डनर के। जब आप इसको मिक्स करते हैं, तो एक सिंगल कलर बन जाता है। तो आपके ऐसे ये सिंगल कलर कर देना है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आई शोड इन द स्टार्टिंग कि हमने इसको बेस जो लिया था, मैंने बेस को सिंपल एक येलो कलर से, क्रोम येलो से मैंने इसको पेंट कर दिया था, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, वी आर मेकिंग वर्दी। अब वर्दी के अंदर ना, एज आई टोल्ड यू, कि ये महाराष्ट्र का आर्ट होता है, ठीक है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ट्राइबल पीपल इसको बनाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जैसे वो पेंटिंग, किस टाइप की पेंटिंग करते हैं, जैसे वॉल्स के ऊपर वो पेंटिंग करते हैं व्हाइट कलर से, ठीक है। और सीन्स वो बनाते हैं, जैसे ह्यूमन फिगर्स वो मेनली बनाते हैं। ह्यूमन फिगर्स के अंदर जैसे हंटिंग होता है, ठीक है, हंटिंग बनाते हैं, या वो लोग डांस कर रहे हैं, डांसिंग बनाते हैं, या फिर वो कोई भी हार्वेस्ट से रिलेटेड, हार्वेस्टिंग का वो सीन बनाते हैं। तो इसी तरह से वो जो भी उनके डेली और जो सोशल लाइफ होती है ना, उसके जो इवेंट्स होते हैं, वो उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू देयर पेंटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वो फेस के कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सर्कल बना देते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं आपको पहले मोल्डेड से सिखा देती हूँ, मीन टाइम हमारा मोल्डेड ड्राई होगा, देन आई विल टेल यू उसके उनके फिगर्स कैसे होते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, आपको जब भी मोल्डेड से काम करना है, अपने हैंड्स पर आप टेलकम लगाते रहिएगा। आप थोड़ा सा पहले आपने सर्कल लिया, सर्कल को आपने टीयर ड्रॉप की शेप दे दी, ठीक है। टीयर ड्रॉप की शेप देकर आप ऊपर से थोड़ा फ्लैट करते जाइए, और ऐसे इसको शेप दीजिएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग ट्राइंगल। ऊपर से अब आप फ्लैट करेंगे, सो वो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं। हमें टू ट्राइंगल्स बनाने हैं। लेट मी शो यू अगेन, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल लेकर हमने इसको टीयर ड्रॉप बना दिया, ठीक है। टीयर ड्रॉप बनाने के बाद हमें ऊपर से इसको फ्लैट करना है। पहले ऊपर से इसको फ्लैट कर दिया, फ्लैट करने के बाद हमें आगे से भी इसको फ्लैट करके इसका ट्राइंगल क्रिएट कर देना, लाइक दिस। क्योंकि इनका जो बॉडी का पार्ट होता है ना,
उनका जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी होती है वो हम उनके ट्राइंगल से ही शो करते हैं, ट्राइंगल्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम, आपने पहले एक सर्कल लिया, टीयर ड्रॉप की शेप दी, ऊपर से आपने प्रेस करना है एंड देन जस्ट मेक अ ट्राइंगल। आप प्रेस करते जाएगा थम्स और फिंगर से और आपका ये ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टू मेक ट्राइंगल्स मोर नीट, अगर आपके ट्राइंगल्स आपको लगता है कि बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा फिंगर से पहले आप फ्लैट करिएगा। ठीक है, फ्लैट करने के बाद यू कैन टेक इधर, यू कैन टेक टू स्केल्स, आप दो स्केल ले सकते हैं और आप या फिर ऐसे आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं और उनको फिर ऐसे प्रेस करिएगा ट्राइंगल शेप में। तो जस्ट सी, आप जब ट्राइंगल शेप में प्रेस करेंगे तो वो ऑलरेडी एक ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट। सिमिलरली बैक साइड मैंने कहा था कि नीचे से फ्लैट होना चाहिए, सो आपको यहाँ से फ्लैट करने के लिए जस्ट प्रेस इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे आपके ट्राइंगल्स बन जाएंगे नीट। जहां पर भी आप मोल्डेड का काम कर रहे हैं ना, प्लीज नीचे ना टेलकम लगा लेना, क्योंकि अगर आप टेलकम नहीं लगाओगे ना तो मोल्डेड जो है ना वो वहीं पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको टेलकम बेस पर लगाना बहुत ही जरूरी है। अब हमने ये बना दिया तो हमें क्या देखना है, हमें अपना साइज भी देखना है कि जो भी हमने कैनवस का साइज लिया है उस साइज पर ये आ जाए। सो आई विल मेक इट लाइक दिस, ये मैं इसकी बॉडी ऐसे बनाऊंगी। ठीक है, लाइक दिस एंड देन आई हैव टू मेक वन नेक एंड वन हेड। सो फॉर नेक आपको क्या करना है, नॉर्मल आप थोड़ा सा लेंगे, इसको आपने रोल किया, रोल करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको लेंथ में दे दिया, रोल इट लाइक दिस। बहुत बिग नेक बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी हम सिर्फ इसको रख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ रख कर देख रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी विल डू द पेस्टिंग। हमें जब फेस बनाना है, फेस के लिए हमने एक सर्कल लिया, सर्कल को थोड़ा सा हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक टेलकम, आप अपने फिंगर पर टेलकम लेंगे और जो फेस है ना उसको थोड़ा सा इवन करने के लिए आप टेलकम आप उसको लगा देंगे, उससे वो सारा ना अच्छे से इवन हो जाता है, टेलकम से वो नीटनेस आ जाती है। जब आप एक बार टेलकम लगाते थे ना ऊपर ऐसे, जस्ट सी वो स्मूथनेस आती है उसके अंदर। ठीक है, हमें ऐसे ही करना है। सो हमें फेस हम इसका यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, वर्ली के अंदर जो होता है ना उसके अंदर व्हाइट कलर की होती है, और जो वर्ली जैसे वो लोग जो वर्ली करते हैं मड के ऊपर, जो वर्ली करते हैं जैसे दीवार पर करते हैं वो लोग, केव्स पर करते हैं, तो वो जो होता है ना वो अलग अलग फिगर्स बनाते हैं, तो वो सब मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताऊंगी कि वो लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई एम टेकिंग फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम मोल्डेड से वर्क करते हैं ना, तो मोल्डेड से वर्क करने के लिए इट इज ऑलवेज प्रेफर टू यूज फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू, क्योंकि वो आप जहां पर भी पेस्ट करोगे ना वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो थोड़ा सा सेंटर में नहीं लूंगी बिकॉज मुझे यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट करना है। ठीक है, सो मैं सेंटर पे उसको नहीं ले रही हूँ, सबसे पहले मैं नीचे वाला पोर्शन लगाऊंगी। थोड़ी सी मैंने नीचे से स्पेस इसका लीव कर दिया, स्पेस इसलिए लीव किया क्योंकि मुझे यहाँ पर लेग्स बनानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोल्डेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सॉरी बहुत ज्यादा आपको फेविकॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मोल्डेड को सिर्फ इतना चाहिए कि वो उसके साथ पेस्ट हो जाए। ठीक है, नाउ जो हमने इसकी नेक बनाई थी नेक को हम पेस्ट कर देंगे। मैंने जो इसका आर्टिकल बनाया ना, मैंने आर्टिकल इसका बनाया हुआ पेन स्टैंड के ऊपर, मेरे पास एक वेस्ट पेन स्टैंड था मतलब तो वो टूट गया था, तो मैंने उसके ऊपर ही मैंने
ये वाला वर्क किया था। आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो आप बेस आप कोई भी ले सकता है, बेस की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेस आप कोई भी ले सकता है। बेस आई विल स्टिक हियर लाइक, थोड़ा सा इसको प्रेस करिएगा, ठीक है। अब अगर आपको नीड करना है, आप थोड़ा सा तिलका अपने फिंगर पे ले सकते हैं और उसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। क्या होता है ना, अभी मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है तो मेरा वो स्मूथ आ जाता है, बट अगर आपका स्मूथ नहीं आएगा ना कॉर्नर से, तो आप थोड़ा थोड़ा तिलकम लीजिएगा, ठीक है। तिलकम लेकर आप उसको ऐसे जब आप रब करेंगे ना, तो कॉर्नर उसके बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। हमें इसको ऐसे करना है। आफ्टर दिस अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हमें करना है इसके ऊपर ड्रॉ। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, इफ यू वांट आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप चाहते हैं ना तो आप इसको डायरेक्ट पेंट ब्रश ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप पेंसिल ले सकते हैं। पेंसिल से आप पहले इसको ड्रॉ करेगा एंड देन यू कैन डू इट। अब मैं ड्रॉ आपको बता देती हूँ कि व्हाट आई एम ड्रॉइंग हैंड्स फर्स्ट, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली, मैं अभी पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। सो आई एम मेकिंग हैंड्स, अब आई एम जस्ट मेकिंग फिगर। मैंने बोला था ना कि इनकी फिगर होती है कि ये तो या तो डांसिंग कर रहे होते हैं या फिर हंटिंग कर रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। सो आई एम मेकिंग अ फिगर वेयर एन वो डांस कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीटिंग द ड्रम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक ड्रम बना रही हूँ, एक सर्कल में हम लेंगे, ठीक है। एक हमने सर्कल लिया एंड देन स्मॉल, उसके अंदर हमने एक और सर्कल ले लिया, ठीक है। देन आई एम टेकिंग वन स्मॉल, ऐसे वो दिस इज योर क्रिएटिविटी कि आप कितना उसको और डिजाइन देना चाहते हैं, आप उसको कौन कौन सा उसके अंदर डिजाइन देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर और सर्कल्स आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग इज कम्प्लीटली योर क्रिएटिविटी। लेग्स के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग लाइक दिस, ठीक है। अभी जब मैं इसको पेंट ब्रश से करूंगी ना, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिजाइन आई हैव क्रिएटेड। नाउ फॉर हैंड्स आई जस्ट टेक दिस वन लाइक दिस, वन लाइक दिस, ठीक है। एंड आई एम गिविंग द स्टिक, हैंड के अंदर आई एम गिविंग वन स्टिक ऑल्सो, सो यहाँ पर ही स्टिक आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन मेक इट। आप इसको थोड़ा सा और बिग करना चाहते हैं, आप और बिग कर सकते हैं, आप डिजाइन आपकी मर्जी, आप इसको और जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहते हैं आप डिजाइन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ बोली के अंदर मैं आपको एक चीज पहले बता देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मेल फिगर्स होती है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी वो डिपिक्ट करते हैं हमेशा ट्राइंगल से डिपिक्ट करते हैं। जो बॉडी होती है ना, दे मेक ट्राइंगल्स, ठीक है। और आप उनके हैंड्स बना सकते हैं लाइक दिस, जैसे भी आपको डांसिंग हैंड्स दिखाने हैं आप कैसे भी इनके हैंड्स ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जो मेल्स होते हैं, ठीक है, मेल्स के लिए वो क्या होता है, सिर्फ उनका एक सर्कल ही वो लोग दिखाते हैं, इसे पता लग जाता है कि वो एक मेल फिगर है, ठीक है। अगर उनको एक फीमेल फिगर बनाना है तो फीमेल फिगर के लिए वो क्या करते हैं, सेम होता है, सबसे पहले ट्राइंगल्स होते हैं दो, ठीक है। आप लेग्स बना सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, स्ट्रेट देना स्ट्रेट दे सकते हैं, आप थोड़ा सा कर्व करके देना चाहते हैं आप कर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली योर चॉइस है कि आपको कौन से शेप से बनाना है, वो बिल्कुल आप अपना डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको किस डांसिंग स्टाइल में आपको बनवाना है ये, ठीक है। देन उसके बाद आप जो नेक बनाते हैं, फिर उसके बाद फेस, फेस के ऊपर जो आपके फीमेल फिगर्स होती है उसके ऊपर यहाँ पर ना बन लगा देते हैं,
लाइक दिस। ठीक है, तो उससे वो पता लग जाता है कि एक ये फीमेल फिगर है और इससे पता लग रहा है कि ये मेल फिगर है। सो दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हाट दे क्रिएट। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट आप पोजेस आप कुछ भी दे सकते हैं, आप हाथ में ड्रम दे सकते हैं, कोई कोई एक्टिविटी कर रहा है कुछ भी, आप उस तरह से आप कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। मैंने जो बनाया है, मैंने बनाया जिसके अंदर वो ड्रम को बीट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग आई एम टेकिंग, नाउ द सेकेंड आई एम टेकिंग फेविक्रिल एक्रेलिक कलर। ठीक है, कभी भी आपको एक्रेलिक कलर को यूज करना है, मैंने आपको बताया था हमेशा से आपको सबसे पहले उसको शेक ही करना है। ठीक है, द लास्ट वन मैं यहाँ पर व्हाइट कलर करूंगी, तो मैं इसको पहले से ही कर देती हूँ। ठीक है, कलर चॉइसिंग आपकी मर्जी है, मैंने हमेशा से ही बताया कि जो भी कलर आप करना चाहते हैं बिल्कुल आपकी मर्जी होती है, कलरिंग आप अपने मनपसंद से कर सकते हैं। सो लेट मी डू व्हाइट ओवर हियर। इसको जब आप बॉटल पे बनाते हैं ना, वो बॉटल पे भी बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे करके आप इसको कलर कर दीजिएगा। पहले हम हमेशा बेस कलर करते हैं, उसके ऊपर जो डिजाइनिंग करनी है ना वो सब हम बाद में करते हैं, कि बेस कलर अच्छे से जब ड्राई हो जाता है ना उसके ऊपर की डिजाइनिंग तभी होती है। ठीक है, ना सेकंड मैंने आपको बताया था कि इनके जो फिगर्स होते हैं ना उसके अंदर या तो ये व्हाइट कलर लेते हैं, और मेनली जो आपका जो वर्ली आर्ट होता है ना वो आपका होता है ब्लैक कलर से। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, अभी मैं मोल्डेड के ऊपर नहीं कलर कर रही हूँ बिकॉज मोल्डेड अभी वेट है। ठीक है, हम साइड्स पे इतना कलर कर लेते हैं जो हमने लेग्स बनाई है। इसके अंदर क्या होता है ना, आपका 3D इफेक्ट भी आ रहा है और आप पेंट कर रहे हैं तो वो एक फ्लैट इफेक्ट भी दे रहा है, तो आपके इसके अंदर दोनों ही इफेक्ट आ जाते हैं। उसका लुक बहुत सुंदर लगता है, वो थोड़ा सा ना इम्बोज लुक आ जाता है, जो उसका बॉडी का पार्ट है वो इम्बोजिंग में आ जाता है, और बाकी के जो हैंड्स और बाकी जो ड्रम्स वगैरह है वो सब आपका फ्लैट में आ जाता है। हम जो हैंड्स बना रहे हैं ना और लेग्स बना रहे हैं, इसको हम पूरा अच्छे से इसके अंदर भी कलर कर देंगे, इसको फिल कर देंगे। आपको मोल्डेड के ऊपर कलर सिर्फ तब करना है जब मोल्डेड ड्राई हो जाएगा, जब मोल्डेड आपका वेट है ना। देखो अभी तो हमने क्योंकि मोल्डेड का वर्क किया है तो अभी तो मोल्डेड वेट है, तो अभी नहीं करना है आपको कलर। ठीक है, जब मोल्डेड आपका ड्राई हो जाएगा आपको कलरिंग सिर्फ तब करनी है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर जो हमने ड्रम बनाया ना इसको हम इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे, तो इससे और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। इसके अंदर आप अगर चाहते हैं ना तो आप इसके अंदर 3D आउटलाइनर यूज कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ आपको अगर एक्रेलिक कलर से ब्रश से नहीं करना है तो आप इसके अंदर आप 3D आउटलाइनर का वर्क कर सकते हो। ठीक है, पहले हम सब आउटलाइनिंग कर लेंगे, आउटलाइनिंग के बाद जो हमने अंदर कलरिंग करनी है वी विल डू दैट। व्हाइट एक्रेलिक अभी हमने किया था ना, तो आप एक एक कलर के साथ दूसरा कलर तब भी करिएगा जब वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचा करिएगा कि मैंने फटाफट से कर दिया था तो आप भी जल्दी जल्दी कर दो, मुझे तो क्लास में आपको बताना होता है ना, तो इसलिए जब वो अच्छे से ड्राई नहीं भी होता है मैं आपको तब भी बता देती हूँ। ठीक है, बट आप प्लीज और अच्छे से नीटली करिएगा सो दैट वो अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा ना तभी करना आप। कोई भी आर्ट फॉर्म जैसे मैं आपको सिखाती हूँ ना,
आपको स्टार्ट फॉर्म को बिल्कुल आप बेस कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि मैंने अगर कैनवस लिखा है तो आपको कैनवस ही लेना है मटेरियल में, नहीं। आप उस आर्ट फॉर्म को किसी भी चीज पर, हमारे पास घर में इतने सारे आइटम्स होते हैं ना, लाइक बॉटल्स होती हैं, सीडीज होती हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, हमारे पास जैसे मिठाई के जो बॉक्सेस आते हैं वो होते हैं, तो हम लोग ये सब चीजें ना उसके ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिकॉज सी हम लोग अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, हम अपना क्रिएट कर रहे हैं चीजों को, हम चीजों को समझ रहे हैं, हम चीजों को लर्न कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम हमारा क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज है हम उसको सुंदर बना दें, है ना। तो हम उसको सुंदर बना रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी से। तो आप कुछ भी चीज को सुंदर कर सकते हो, इवन जो आपके घर के अंदर जो पॉट्स होते हैं ना, जो आपने गार्डन में रखे होते हैं, आप पेंटिंग्स आप उनके ऊपर भी कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो वो आपको देखते हैं कि आप घर में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप पेंट करना चाहते हो, आप उन सबको आप पेंट कर सकते हो, है ना। ऐसे, और इसकी अब स्टिक को हम लोग कर देते हैं। ब्रश का बीच में एक बार धोते रहिएगा, ठीक है। उसको क्लीन करने से ना क्या होता है, ब्रश आपका अच्छे से वर्क करने के लिए सही रहता है। नाउ अब जो हमने डिजाइनिंग किया है ना, अब हम डिजाइनिंग को थोड़ा सा और एनहांस कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट सम डॉट्स ओवर इट। डिजाइनिंग बिल्कुल बिल्कुल आपकी पसंद है, आप जैसा भी डिजाइन करना चाहते हैं ना, आप वैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि जैसा मैंने बनाया आपको वैसा बनाना है, जैसा भी आपको बनाने का मन कर रहा है ना, बिल्कुल वैसा बना सकते। नाउ इसके अंदर मैं फिर डॉट्स लगा देती हूँ। येलो कलर ना बहुत सुंदर लगता है, देखो येलो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है ना। आप ऐसे ही, आप अगर चाहते हैं आप पिंक ले सकते हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी ले सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। और आप सब तो इतने सुंदर सुंदर मुझे समिशेस दे रहे हो, इतने सुंदर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है ना, मतलब जस्ट इमेजिन कि मुझे देख के लग रहा होता है कि यार मैं भी दो तीन और बना लेती हूँ आर्टिकल्स, इतने सुंदर लग रहे होते हैं आपके आर्टिकल्स, बहुत ही सुंदर आप बना रहे हैं। अब आपने जैसे आप बुक मार्क बनाया था, ठीक है, मैंने बुक मार्क के ऊपर जो स्टोन्स नहीं सिखाए थे, बट आपकी एक इनोवेशन, आपकी एक क्रिएटिविटी थी, आपने ऊपर स्टोन्स लगाने शुरू किए, वो बहुत सुंदर लग रहा है, और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे होते कि आप सीखते रहिए और अपनी क्रिएटिविटी आप उसके अंदर आप ऐड करते रहिए, तो देखिए कितना सुंदर लगता है ना। अब हमने देखो क्या किया इसके ऊपर, जो हमने व्हाइट जहाँ पर किया था एक्रेलिक थे ना, अब हम उसके ऊपर भी कलर करते रह रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो आपका कलर है ना, वो जो हमने लाइंस बनाए, जो बॉर्डर बनाए ना, उससे बाहर मत निकले, इसीलिए हमने थोड़ी सी थिक लाइंस लगाई है कि वो कलर बाहर नहीं आए। और जब व्हाइट एक्रेलिक ड्राई हो जाएगा ना, व्हाइट एक्रेलिक ड्राई होने के बाद ही आपको लाइंस लगानी है, नहीं तो क्या होगा ना, वो उसके साथ कलर ब्लीड हो जाएगा। अभी मोल्डेड ड्राई नहीं हुआ है, बट मैं आपको मोल्डेड के ऊपर भी कलर करके बता देती हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ पर साइड्स पर आपको कुछ भी डॉटिंग देनी है, आपको कुछ भी और डिजाइन करना है, आप वो सब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमने फेस और नेक लिया, जैसे हमने इसके लेग्स के अंदर ब्लैक कलर किया था ना, सिमिलरली जो इसका फेस रहेगा
फेस के अंदर और नेक के अंदर भी हमें ब्लैक ही फिल करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो हमने क्योंकि बेस पर कलर पहले किया था ना, तो आप इतना आराम से करिएगा कि बेस पर कलर नहीं लगे, ठीक है। इनकेस अगर कभी आपका बेस पर कलर लग जाता है तो आप उसको उसी वक्त उतारने का ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज वो उस वक्त उतरेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ड्राई होने देंगे जो बेस पर कलर लग जाता है। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर आप एक बार व्हाइट एक्रेलिक कलर कर दीजिएगा, फिर जब व्हाइट एक्रेलिक कलर भी ड्राई हो जाएगा फिर आप सेम जो येलो कलर है ना उसको करिएगा, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, जो भी आपका मन करता है ना आप उस डिजाइन को ले सकते हैं। वर्ली के एनिमल्स भी होते हैं, इफ यू वांट आप एनिमल्स ले सकते हैं, जो भी जैसा भी आपका मन करता है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। हम इसके नेक पर करते हैं, ठीक है। इसका जो बॉडी है, जो हमने इसका बॉडी बनाया है, होली के अंदर क्या होता है आइडियली उनका सेम कलर रहता है, कि पूरा वो ब्लैक होता है या पूरा ही उसको व्हाइट करते हैं। बट व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल कर रही हूँ, ठीक है, इसको और कि वो और सुंदर लगे। जब भी आर्टिकल्स आपके रेडी हो जाते हैं ना, आर्टिकल्स रेडी होने के बाद आप उनके ऊपर वॉर्निश कर लीजिएगा। क्या होता है ना आपके आर्टिकल्स के ऊपर, जैसे कभी आप मिट्टी लग जाती है तो आप उसको मिट्टी को साफ कर सकते हैं आराम से, वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये वेट नहीं था मेरा, सूखा नहीं था। देखो मेरे नेल्स का इम्प्रेशन लगा ना, तो व्हाट आई कैन डू, आप थोड़ा सा आप टेलकम ले सकते हैं, ठीक है, टेलकम लीजिएगा और इसको ऐसे नीट कर देना, क्योंकि क्या होता है काम करते हुए अभी मेरा तो मोल्ड क्योंकि ड्राई नहीं हुआ था ना, तो आपको तो कलर सिर्फ तभी करना है जब मोल्डेड ड्राई हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग सैल्मन पिंक, आप कोई भी और कलर ले सकते हो, ठीक है। आई एम टेकिंग सैल्मन पिंक, और उसको पहले से ही, सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी हम एक्रेलिक यूज करते हैं हमें उसको फटाफट से शेक करना है। मैं आपको सिंगल कोटिंग ट्राई कि डबल कोटिंग हो जाए, बट सिंगल कोटिंग ही कर पाऊंगी शायद अभी, क्योंकि ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी वो मोल्डेड भी अभी ड्राई नहीं है ना, तो बहुत अच्छे से कलर इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। इसी मैं आपको बोल रही हूँ कि मोल्डेड को अच्छे से ड्राई होने देना 3-4 घंटे, वो अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद ही आप कलर करना, ठीक है। और जो हमने ये जो हम लेडी बना रहे हैं, जो हमने होली का हम जो आर्ट बना रहे हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी जो हम लोग बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा आप, अगर आप चाहते हैं तो आप 3D आउटलाइनर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आप एक्रेलिक कलर्स ही यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर प्लेन रखना चाहते हैं आप इसको प्लेन रख लीजिएगा, अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप इसको डेकोरेट कर देना। कॉर्नर्स में, साइड्स में आपको कुछ भी और डिजाइन बनाना है आप बिल्कुल उसको बना सकते हो, ठीक है। वो सब आपके इनोवेशन है कि आप उसको और कितना सुंदर करना चाहते हैं, और आप एटलीस्ट आप 2 कोट्स जरूर करिएगा। आप कुछ भी कोई भी आर्टिकल बनाते हो ना उसके अंदर 2 कोटिंग जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका जो बेस का जो भी कलर होता है वो बेस कलर नहीं दिखता है फिर, और जो कलर्स है ना वो और ज्यादा अच्छे ब्राइट और बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि जो भी हम सरफेस लेते हैं ना तो थोड़ा सा वो सरफेस भी कलर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो उसको और एनहांस करने के लिए हमेशा इट इज बेटर टू यूज यू नो डबल कोटिंग। जब ड्राई हो जाएगा ना आपको डबल कोटिंग तभी करना है, अभी मैं वेट में ही कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। नाउ
एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको 3D आउटलाइनर वर्क से वर्क करना है, आप 3D आउटलाइनर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रश से ही वर्क करना है, आप ब्रश से ही कर सकते हैं। सो वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। लेट मी यूज 3D आउटलाइनर, ठीक है, एंटीक गोल्ड में यूज कर रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको 3D आउटलाइनर यूज करना सिखाया है, ठीक है। तो मैंने इसका जो ऊपर का जो रैपर होता है, मैंने उसको रैपर को उतार दिया है। मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत हार्ड लगता है वो चलाने में, तो हम उसका रैपर उतार सकते हैं, ठीक है। सो मैंने इसका रैपर उतार दिया था। तो अब मैं इसको ऐसे, वी हैव टू वेट, यू नो, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि वो ड्राई हो जाएगा ना तभी करना, बिकॉज क्या होता है ना कि जब वो गीला होगा ना, अगर मेरा हैंड लग जाएगा, या आप जब पेंटिंग कर रहे हो, अगर आपका ही हैंड लग जाएगा ना, तो आपके हैंड से वो दूसरा भी जगह से कलर लग सकता है, वो खराब हो सकता है। सो प्लीज जब भी आप एक कलर कर लेते हो, उसको ड्राई होने देना, फिर आप सेकेंड करना, फिर उसको ड्राई होने देना, फिर आप थर्ड करना, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बार, मैंने बताया था ना कि हमें जब भी 3D आउटलाइनर को यूज करना है, सो वी जस्ट हैव टू चेक कि उसकी नोजल क्लीन है कि नहीं, क्योंकि नोजल अगर क्लीन नहीं होगी ना, तो 3D आउटलाइनर अच्छे से वर्क नहीं करता है। अगर आप 3D आउटलाइनर से वर्क करना चाहते हैं या पेंट आप और करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो दैट्स ओके, ठीक है। जब ये एंटीक गोल्ड ड्राई हो जाएगा ना, तो ये और ज्यादा सुंदर लगता है। अब हम इसके अंदर कुछ भी, जो भी आप डिजाइनिंग देना चाहते हैं, आप वो डिजाइन कर सकते हैं। लेट मी पुट डॉट्स ओवर हियर। और फिर जैसे अगर आप सीडी पर बनाते हैं, तो आप उसके ऊपर पीछे ना थ्रेड लगा सकते हैं और उसको हैंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर लेट मी जस्ट रेंडमली, यू नो, पुट सम डिजाइन लाइक। आप ऐसे कुछ भी, जो भी आपका मन करता है ना, आप वैसे वो डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली साइड्स में आपको जहां पर भी जो भी डिजाइन करने का मन होता है, आप उसको कर सकते हैं। इवन आप अगर चाहते हैं 3D आउटलाइनर से अगर आपको कुछ वर्क करना है, तो आप 3D आउटलाइनर से कर सकते हो। चलो लेट मी मेक सम प्लाजो ओवर हियर, ठीक है। मैं गोल्ड से ही कर रही हूँ, एंटीक गोल्ड से। आप फ्लावर्स बनाना चाहते हैं, आप कुछ और बनाना चाहते हैं, तो आप वो बिल्कुल बना सकते हैं। चाहे आप एक्रेलिक कलर से बना लीजिएगा या 3D आउटलाइनर से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे बना सकते हैं। और जो भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, जिस भी चीज पर बनाना चाहते हैं, आप वो बनाइएगा। आज हमारी वर्कशॉप का लास्ट डे है, ठीक है। तो आपका जो भी आप आर्टिकल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, आप वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है ना, आप मुझे वो भी भेज दीजिएगा, सो दैट आई विल ऑल्सो सी कि आपको वो अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं पर अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे पास पिक शेयर करिएगा, ठीक है। एंड आई विल अपडेट यू कि मैं आपको बता दूंगी कि आप इसके अंदर क्या चीज़ एड ऑन कर सकते हैं। फाइनल आर्टिकल्स मेरे पास आ जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसे देखो, अब मैंने क्या किया ना, इसको ये कवर कर दिया पूरे में, सारे में इसको फ्लास फ्लास लगाकर उसको
सुंदर से और डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने हाफ फ्लावर कर दिया, ठीक है। कहीं पर आप फुल बना सकते हैं, कहीं पर आप हाफ फ्लावर बना सकते हैं, वो सुंदर लगता है। फ्लावर मैंने बहुत सिंपल बना रही हूँ, लाइक बीच में मैंने एक डॉट किया, डॉट के पहले मैंने साइड्स पर जैसे प्लस बनाते हैं, चारों कॉर्नर्स पर मैंने कलर किया, थ्री डॉट बना, एंड देन जैसे हम एक मल्टीप्लाई का साइन करते हैं ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल एंड दीज फ्लावर्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आप और भी जहां जहां भी आप फ्लावर्स को ऐड करना चाहते हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। कहीं पर आप कंप्लीट फ्लावर बना सकते हैं, कहीं पर आप हाफ फ्लावर बना सकते हैं, तो आप ऐसे करके इसको वोली आर्ट को अपने कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द वर्कशॉप। अब आप अपने सबमिशंस देने शुरू कर दीजिए। बहुत सारे सबमिशंस मेरे पास आते जा रहे हैं, बट जिनके सबमिशंस जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया देने, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपने सबमिशंस देने शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल।